या जो प्रीवियस हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो थे हमारे प्लानिंग से पहले के जो भी थे हमारे डिसीजंस, कौन कौन से थे, फाइनेंशियल, इन्वेस्टिंग और हमारा कौन सा डिविडेंड डिसीजन था, ठीक है। तो अब हमने वो पढ़ लिए थे, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोबारा देख लेना। अब आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, जो अभी जब हम फंड्स कलेक्ट कर रहे थे ना, या जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने डिसीजंस में पढ़े थे, उनको किस तरह आप प्लान करना है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, जो भी हमने इन्वेस्टिंग में पढ़ा था ना उसको किस तरह मैनेज करना है वो हम फाइनेंशियल प्लानिंग में पढ़ेंगे। तो टू प्लान हाउ मच टू इन्वेस्ट और व्हाट टू स्पेंड, कितना स्पेंड करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, वो हम प्लानिंग में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं आगे के। अब वो कह रहा है क्या क्या इंक्लूड करता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में, हमारा क्या क्या आएगा, क्या क्या आता है, अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड, फाइनेंस जो हम कलेक्ट कर रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में जो हम पढ़ रहे थे, तो जो वो कलेक्ट कर रहे हैं हमें कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कितना कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड। दूसरा सोर्स ऑफ फंड्स, कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, वहां पर कितना अमाउंट है, यहाँ कितना कहाँ से करेंगे, मतलब हमारे पास कहाँ कहाँ से कलेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट है सुटेबल पॉलिसीज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पॉलिसीज किस किस तरह की हम लगाएंगे उस फंड्स को इकट्ठा करने में, जिससे हमारा वो यूटिलाइजेशन में इजी रहे, उन फंड्स को यूटिलाइज करने में इजी रहे, उनको कैसे और प्रोडक्टिविटी तरीके से हम उसको वर्क कर सकते हैं उनपे। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अपना फर्म में किस तरह उसको मैनेज करेंगे, कहाँ एक्सपेंसेस करेंगे, ठीक है, वो हमारा इसमें आ गया। अब ये तो हमने पढ़ लिए इसके क्या क्या इंक्लूड करता है, तो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अमाउंट, अमाउंट नीडेड, सोर्सेस और पॉलिसीज फॉर यूटिलाइजेशन। तो ये हमारे थे क्या क्या इंक्लूड करता है प्लानिंग में। अब आगे का हम देखते हैं वो क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड करता है। तो पहला देखते हैं हमारा स्टेप क्या है, टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग में। सबसे पहले कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि हमारा सबसे ज्यादा कैपिटल मैटर करता है, हमारा अमाउंट मैटर करता है कि हम फंड्स कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर सेल्स फॉरकास्टिंग, अब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं फॉर्म के थ्रू, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन्हें किस तरह सेल्स फॉरकास्ट करेंगे, किस तरह हम मार्केट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसकी सेल बढ़ाने के लिए। हायर एंड इंक्रीज इन सेल, उन सेल्स को और जो हमारा पहले से हम जितना भी फोरकास्टिंग कर रहे हैं, टेलीकास्टिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उनको किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं हम, जिससे कि हमारा फिक्स और वर्किंग कैपिटल दोनों मैनेज किए जाए। फिक्स कौन कौन से होते हैं, जो हमारे एसेट्स में होते हैं, हमारे मशीनरीज हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, हम उन वो वाले फिक्स कैपिटल हो गए हमारे, और वो हमारे हो गए वर्किंग कैपिटल, जो हमारे डे टू डे में चाहिए होते हैं। हमने कैश फ्लो में काफी बार पढ़ा था ये। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, वो ये चीज बताता है कि हमें पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट देखना चाहिए, सेल्स फॉरकास्टिंग देखनी चाहिए, और इंक्रीज कैसे करना है उन सेल्स को वो देखना चाहिए। ये किसके थ्रू होगा, प्लानिंग के थ्रू। फर्स्ट हमारे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें फंक्शंस में आता है ना प्लानिंग, तो वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ हम फाइनेंशियल की प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग हम पढ़ेंगे किस चीज की, मैनेजमेंट की, पूरे फर्म के मैनेजमेंट की। अब सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप में कह रहा है हाउ टू रेज द फाइनेंस, किस तरह रेज किया जाएगा उन फाइनेंस को, जो भी वो फंड्स थे हमारे, किस तरह रेज किया जाएगा, उन्हें किस तरह बढ़ाया जाएगा, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली एक्सटर्नली कैसे, फर्म के अंदर किस तरह मैनेज जाएगा, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है इक्विटी, प्रिफरेंस और डिबेंचर और लोन, मतलब अगर फर्म के अंदर मैनेज कर रहे हैं और फर्म के बाहर मैनेज कर रहे हैं, फर्म के बाहर कैसे जाएंगे, डिबेंचर से, डिबेंचर या लोन से, क्योंकि लोन हम कहाँ से ले रहे हैं, बैंक के थ्रू ले रहे हैं या किसी आउटसाइडर से ले रहे हैं, डेट्स भी हम किसी आउटसाइडर से ही ले रहे हैं, लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर जो हमारे हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, वो तो मतलब अंदर का, पहले हम अंदर मैनेजमेंट में जो हमारी इनसाइडर मैनेजमेंट होती है, पहले हम उनसे ही तो करते हैं, उनसे ही हमारा कोई कलेक्ट होता है ना, पहले शेयर उन्हीं को परचेज किए, मतलब प्रेफरेंस दी जाती है उन्हें। तो ये हमारे एक्सटर्नली और इंटरनली कैसे रेस किए जा
सकते हैं वो हो गए। थर्ड स्टेप है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब लॉन्ग टर्म के लिए ये हम बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में। अब लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसके लिए अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो हमारा पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग के। अब फाइनेंशियल प्लानिंग कर तो रहे हैं लेकिन फॉर्म के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या मैटर करते हैं ये भी तो पता करना जरूरी है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। अवेलेबिलिटी फंड्स हमारे पास कितने अवेलेबल है भी या नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा। एक्सेस फंडिंग आर नॉट हेल्दी, जैसे फंड्स का कम होना भी नुकसान होता है वैसे ही ज्यादा होना भी नुकसानदायक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि शॉर्टेज में तो भैया हो ही रहा है हमारा नुकसान, शॉर्टेज में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो हमें जल्दी से जल्दी मतलब देखना पड़ता है शॉर्टेज में हमें उसको मैनेज करना, हमारी वो क्राइसिस होता ही है। लेकिन एक्सेस में भी हमें कई बार दिक्कतें आती हैं। एक्सेस होगा तो हमारा जो भी स्टॉक है जो भी हम जिसके लिए भी प्रोडक्ट के लिए हम कर रहे हैं ये प्लानिंग्स एंड ऑल तो उस पर अफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो खराब होता है, वो हमारा स्टॉक खराब भी हो सकता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज वेस्ट भी जा सकता है, हमारा इफेक्ट वेस्ट जाता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये चीजों को ध्यान में रखना होता है। अब आगे के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं इसके फाइनेंशियल प्लानिंग के, अब तक हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे, अब इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है इसकी। फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है, किस चीज की फॉरकास्टिंग में, डिफरेंट सिचुएशंस पे मार्केट में ना बहुत अप्स एंड डाउन चलते हैं तो उनकी फोरकास्टिंग मतलब कई फॉर्म प्लानिंग इसलिए भी हेल्पफुल होती है। हमने प्लानिंग में पढ़ा है चैप्टर में, हमने कई बार पढ़ चुका है, आप पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में कि प्लानिंग होती इसलिए हेल्पफुल है कि वो आगे के अप्स एंड डाउन को हम कैरी कर सकते, मतलब उनसे सिचुएशन हैंडल करने के लिए हमारे पास एक एग्जीक्यूटेड प्लान हो उसको एग्जीक्यूट कर सके, तो वो हमारा अप्स एंड डाउन को क्या करने के लिए मैनेज करने के लिए। जो गलती हमने पहले करी थी मतलब कई बार फॉर्म ऐसी होती है पहले गलती हो जाती है हमसे शुरुआत में तो वो वही गलती हम दोबारा आगे रिपीट ना करें उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग होती है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हेल्प्स मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर फेसिंग डिफरेंट सिचुएशंस। दोनों पॉइंट्स में सेम ही बात कर रहा है वो कि डिफरेंट सिचुएशंस में और अप्स एंड डाउन्स में कोई भी दिक्कत ना रहे फ्यूचर में, आगे के फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना रहे, कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है जैसे कि हमें लगता है कि हमारा लॉस हो सकता है तो उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं, उसको जल्दी से कैसे रिकवर कर सकते हैं उसके लिए। अब तीसरा कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेट करता है। अब प्लानिंग नहीं होगी तो हम आगे का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लोग कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे। बहुत बार फॉर्म में ऐसा होता है कि फॉर्म के आपस में एम्प्लॉयज लड़ रहे होते हैं, क्यों लड़ रहे होते हैं क्योंकि उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होती है। अब कई बार क्या होता है परचेज का और सेल का मैनेजमेंट को आपस में बातचीत करनी पड़ती है ना, परचेज डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई ये तो हमारा अंडर में बना ही नहीं है, मतलब ये प्रोडक्ट अगर सेल हुआ है हमें नहीं पता, हमने तो बस आपको दे दिया। सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने सेल ही नहीं करा या हमने प्रोडक्ट हमारे पास आया ही नहीं है, तो ये चीज अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये चीज मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। विदाउट प्लानिंग हमारे आगे फॉर्म कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं ना तो जो भी हमारे पास फंड्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ इस तरह जरूर कर सकते हैं कि वो हमारा वेस्ट ना हो जो हमारे पास फंड्स हैं। अगर वेस्ट भी होने जा रहे हैं या होने वाले हैं हम उनको दोबारा किसी ना किसी तरीके से यूज कर सके, उनका रिसाइकल कर सके, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन। फिफ्थ मेक एनालिसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। अब प्लानिंग से हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी जो भी हमारी दिक्कत रहती है ना उसे हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जैसे कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस कई बार कैसे होती है, बहुत बार होता है हम प्लान करके चलते हैं कि हमें ये काम इस तरीके से करना है, तो बहुत फॉर्म्स विदाउट प्लानिंग तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो ऐसा प्लान करके चल रहे हैं कि हमें ये काम करना था लेकिन आगे हमारे सर वो काम नहीं हो पा रहा या जो हमें पहले काम किया था उसमें गलती हुई थी या नहीं हुई थी
वो चीज चेक करने से और एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं। तो अगर आगे क्लाइंट के पास जाने से पहले वो चीज हम एक्चुअली में देख सके, कंपेयर कर सके, तो उसमें हमारी प्लानिंग हेल्पफुल रहती है, इम्पोर्टेंट रहती है। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन, कैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आ गए, क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ रहे हैं ना, तो कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे आगे फंड्स करना है, मतलब कहाँ फाइनेंस करना है अपने, मतलब अपनी फर्म में किस तरह मैनेज करना है उन फंड्स को, तो ये उन दोनों में डिफरेंस ला रही है ना, ला रही है। और एक और होता है कि आगे फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए भी रहता है ये, क्योंकि आगे हम देख सकते हैं ना, अगर हम आज सब चीज का प्लान करके चल रहे हैं कि आज ये चीज हमारी गलत हुई थी, या आगे हम देख रहे हैं कि अगर हमारा अप जाने वाला है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, या डाउन जाने वाला है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उसमें हमारा प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे का हम बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। तो आई होप आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग में डिफरेंस। हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया था, हमने प्लानिंग पढ़ लिया था, अब उसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो पहले क्या कह रहा है, मैनेजमेंट में हम एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस ये पढ़ रहे हैं। मतलब क्या क्या पढ़ा था हमने, एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब फंड्स कहाँ से आ रहे थे, किस तरह फंड्स बाहर से लाए जा रहे थे। यूटिलाइजेशन, कंपनी में किस तरह मैनेज किए जा रहे थे, फर्म में किस तरह मैनेज किए जा रहे थे। और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, उसका डिविडेंड डिसीजन में क्या पड़ा था हमने, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे थे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा ये था। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या था, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। वो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने पढ़ा कि उसका कैसे वो करना है, क्या करना है, कैपिटल कितनी रिक्वायर करनी है, कितनी कैपिटल हमें चाहिए, उसका एस्टिमेशन लगा रहे हैं। मैनेजमेंट में हम मैनेज कर रहे थे और प्लानिंग में हम प्लान कर रहे हैं कि उसको किस तरह मैनेज करना है। अब सेकंड पॉइंट है वाइडर इन स्कोप। मैनेजमेंट वाइडर है, क्यों वाइडर है, क्योंकि उसमें हम कहां से लाना है, कहां इन्वेस्ट करना है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने सब पढ़ा। प्लानिंग नैरो है, प्लानिंग नैरो क्यों है, क्योंकि उसमें सिर्फ हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह लाएंगे और किस तरह इन्वेस्ट करेंगे, वो हम प्लान कर रहे हैं, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। मैनेजमेंट में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन चीजों को, प्लानिंग में हम देख रहे हैं कि उसको कैसे करना है। मैनेज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस, जो भी हमने फाइनेंस इकट्ठा किया था, हमने फंड इकट्ठा किए थे, उनको मैनेज करना दिखा रहा है, सारी एक्टिविटीज उनसे रिलेटेड मैनेज कर रहा है। और प्लानिंग में हम प्लान कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, नॉट वेस्ट अननेसेसरी, मतलब एक्सेस नहीं होना चाहिए और जितनी हमें जरूरत है उतना ही होना चाहिए। इतना हम फाइनेंस के बारे में हमने मैनेजमेंट और प्लानिंग में डिफरेंस में पढ़ना था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल जो हमने शुरू में इन्वेस्ट किया है, फॉर्म खोलने से पहले सब इन्वेस्ट जो करते हैं, जो भी अपना पैसा हम लगाते हैं शुरुआत में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब उनका स्ट्रक्चर कैसे दिया किया जाएगा, जब हमें मैनेजमेंट की बारी, जब हमारी प्लानिंग की बारी कर रहे हैं, फाइनेंस की बारी आ रही है हमारी, तो वो कह रहा है मींस प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी यानी कि सीधा सीधा सा अगर न्यूमेरिकल में करें तो हमारा ये बनता है डेट्स अपॉन इक्विटी। डेट्स क्या होते हैं हमारे, बोरोड फंड, और इक्विटी क्या होता है हमारे, ओनर फंड। बोरोड हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था हमने, इन्वेस्टिंग में, बोरोड और ओनर कौन से होते हैं हमारे, डेट्स होते हैं हमारे बोरोड और इक्विटी होते हैं हमारे ओनर फंड। ठीक है, राइटिंग का इश्यू होगा, सॉरी उसके लिए। अब डेट्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था, डेट्स हमारे बोरोड फंड यानी कि लोन्स, या जो हम बाहर से पैसे जगह जगह से कलेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं। और इक्विटी जो हम अपने शेयर्स के थ्रू लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, जो अपने हम इक्विटी के थ्रू लगा रहे हैं, अपना फंड जो भी हम इन्वेस्टिंग के लिए लगा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डेट और इक्विटी में। डेट हमारा दूसरे का पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे में जो फंड हम लगा रहे हैं उसे बोरो कर रहे हैं, और इक्विटी जो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगे समझ में। अब डेट्स और इक्विटी में डिफरेंट क्या होता है, डेट्स हमारे कॉस्टली होते हैं। डेट्स कॉस्टली क्यों होते हैं,
के थ्रू, समझ लो। इंटरेस्ट क्या देते हैं आप, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में सब पढ़ते हैं, वो हमें डेट्स में देना पड़ता है, लेकिन इक्विटी एक्सपेंसिव होता है, लेस कॉस्टली होता है डेट्स। डेट्स हमने इंटरेस्ट तो देने हैं, लेकिन इक्विटी में क्या होता है, हमारा कॉस्टली ज्यादा होता है। कैसे कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें इसका ब्रोकर का फंड देना पड़ता है, ब्रोकर के पैसे देने पड़ते हैं, अंडरराइटर के पैसे देने पड़ते हैं, तो वो चीज इक्विटी में कॉस्ट कर देती है, उसको कॉस्ट इंक्रीज कर देती है। आप कोई भी शेयर परचेज करने जाते हैं ना, इस टाइम उस शेयर का प्राइस कुछ और होगा, एंड नेक्स्ट टाइम कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में उस शेयर का प्राइस कुछ और होगा, तो उसमें क्या होता है, हमारा ज्यादा पैसा ज्यादा लग रहा है। डेट में हमने एक बार लगा दिया, अब हमें बस उसका कुछ परसेंट इंटरेस्ट देना है, लेकिन इक्विटी में वो हर टाइम में बढ़ता जाता है, हर सेकंड में बढ़ता जाता है, तो वो हमारा इसलिए एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर दूसरा है रिस्की। डेट्स रिस्की होते हैं और इक्विटी सेफ। कैसे, डेट्स हमने दे दिया, कोई डेट्स रिकवर नहीं कर पाता है, जैसे हमने लोन लिया मार्केट से, बैंक से, या किसी अदर पर्सन से, थर्ड पार्टी से हम लोन ले रहे हैं, हम कवर नहीं कर पा रहे हैं उसको, नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं उसकी, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अगला तो केस ही करेगा ना, वो कहेगा कि भैया ये पैसे हमारे नहीं दे पा रहे, हमें तो अपने पैसे चाहिए। क्या करा जाएगा, कोर्ट के पास जाएंगे, आगे केस बढ़ते हैं, वो पूरा फिर वो फंस जाते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं। इक्विटी रिस्की नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है, उसको रिस्क में हम कर ही नहीं सकते, मतलब एक प्रोसीजर होता है कि ये आपका अगर लॉस हो रहा है ना, तो लॉस इतना नहीं होगा, वो रिकवर हो जाएगा, आज लॉस में चल रहा है, कल प्राइस बढ़ जाएगा, वो हमारा रिकवर हो जाता है, इक्विटी में डेट में हमारा रिकवर नहीं हो पाता है। तो ये हमारा सेकेंड डिफरेंस था। थर्ड है लीगल ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट, जिसे बोलते हैं हम लीगल ऑब्लिगेशन में आता है, इंटरेस्ट हमें देना ही देना है, इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने लोन लिया है वो पैसा तो वापस करना ही है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देना है, क्यों, वरना फिर केस कर देगा, इसलिए तो रिस्की है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, नो लीगल ऑब्लिगेशन। नो लीगल ऑब्लिगेशन कैसे है, डिविडेंड दिया नहीं दिया एक ही बात है, क्यों, क्योंकि वो हम अपने खुद का ओनर का फंड है, वो करेंगे मैनेज अपने हिसाब से, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, नहीं देंगे कोई इश्यू नहीं है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मैनेज कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलेंगे आप थोड़ा वेट कर लो, वो लोग वेट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे ये टॉपिक्स हमने यहाँ तक कैपिटल स्ट्रक्चर का आधा पार्ट पढ़ा है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, और अगर कोई डाउट्स होते हैं तो वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे, बाकी के लिए थैंक